नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे एक बेहतरीन चार्ट के बारे में जहां पे आपको अभी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर यहां से बाउंस बैक करता है शेयर का प्राइस तो आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चार्ट को बात करेंगे जो चार्ट ऑफ द वीक कहलाएगा, मतलब इस संडे का जो चार्ट है। इस तरह से हम हर संडे आपके लिए एक चार्ट ऑफ द वीक लाएंगे जहां आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी मिल रहा होगा, क्योंकि अभी मार्केट में एक बुल रैली है और मार्केट में आप देख सकते हैं कि लगातार एक नया से नया हाई बनते जा रहा है। तो ऐसे बुल रैली में आपको जो इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल रहा है, तो उसी चार्ट ऑफ द वीक में हम उस चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस बार जो हम चार्ट ऑफ द वीक में पहला चार्ट लेकर आए हैं, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। यह है हमारा ब्रिटेनिया, जो कि काफी जबरदस्त स्टॉक है और इस स्टॉक में अभी आप चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहां पर इस चार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर जानेंगे कि आपको किस प्रकार से इसमें इन्वेस्ट करना है, फिर इसके हम फंडामेंटल एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सिर्फ नाम जानने से, तो नाम तो हम पहले ही बता देते हैं कि आपको नाम जानना है तो नाम पहले ही ले लेते हैं। यहाँ पर एनालिसिस आपको देखना है कि कब इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और अगर किस प्राइस पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट कम करना है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए तो यहाँ सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अभी जो ट्रेंड चल रहा है इसका। देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को ये एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया लेकिन इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाए। पहले तो ये देख लीजिए वीकली चार्ट है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली चार्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर देख लीजिए एक सपोर्ट भी बना रखा है, तो अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है ये हमें देखना होगा। देखिये ये सपोर्ट लाइन हो गया और ये हमारा ट्रेन लाइन है। अगर ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसमें बुलिश हो जाएंगे और अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें बेरिश हो जाएंगे। फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ कहाँ पे सपोर्ट लेता है। अगर ये 200 के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है तो फिर हम यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेट करेंगे क्या यहाँ पर रिवर्सल होता है। अगर रिवर्सल होता है तो हम यहाँ पर SIP स्टार्ट करेंगे। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, कम से कम 2-3 वीक यहाँ पर सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो 50% से अधिक कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ये निकलता है तो यहाँ पर हम बुलिश हो जाएंगे और पहला जो हमारा टारगेट होगा ब्रिटेनिया में वो हमारा पहला टारगेट होगा 3800 का और दूसरा टारगेट होगा 4000 का। अगर 4000 के ऊपर ये चला गया तो फिर इसमें हमारा टारगेट हो जाएगा 5000 के आसपास। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो FMCG सेक्टर के स्टॉक है ये इवर ग्रीन स्टॉक है। अगर कंपनी के बिजनेस में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है तो फिर इसमें आपको कभी भी एक बड़ा गिरावट नहीं आएगा। मतलब ये जो मूविंग एवरेज है 200 का, 200 के मूविंग एवरेज के नीचे ये कभी नहीं जाएगा। वीकली चार्ट को देखना है, डेली चार्ट को मत देखना है। डेली चार्ट में ये कई बार आपको देखने मिलेगा कि इस मूविंग एवरेज के नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो इस तरह से आपको वीकली चार्ट पे देखना है। इसके आसपास आ जाता है और लगता है कंपनी के बिजनेस में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कंपनी का बिजनेस सेल्स प्रॉफिट सेम टू सेम है, तो फिर आप यहाँ पर हैप्पली इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमें सस्ते से सस्ता प्राइस चाहिए, हमें बॉटम पे मिल जाए तो और अच्छा है, जितना सस्ता मिले स्टॉक उतना बेहतरीन है। तो अगर यहाँ पर ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर हमारा सपोर्ट क्या होगा, ये 200 मूविंग एवरेज, लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम है कि ये इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, कई बार ये सपोर्ट यहाँ पर ले चुका है, पहले ये रेसिस्टेंस का काम करता था, देख सकते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, तीसरी बार आया तो यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया इस रेसिस्टेंस को। उस तरफ एक बार सपोर्ट लिया, दूसरे बार लिया और तीसरे बार हो सकता है यहाँ पर ये निकले, तो यहाँ से फिर हम एक ज़बरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ये अभी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस स्टॉक में SIP कर सकते हैं। नीचे आएगा तो फिर वेट करेंगे 200 मूविंग एवरेज तक आने का, या कहीं पे सपोर्ट लेता है बीच में तो उस सपोर्ट का वेट करेंगे, क्योंकि 3000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से आता है तो ये 3000 तक भी आ सकता है, क्योंकि 3000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 3000 पे ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इस सपोर्ट को पहले ब्रेक करता है तब, जिसकी संभावना काफ़ी कम है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 2-4 वीक, तो फिर समझिए हम इसमें बुलिश हो जाएंगे और फिर यहाँ पर आप लगातार जैसे जैसे ऊपर जाता है SIP कर सकते हैं, और 4000 को जैसे क्रॉस करता है तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए बने
रह सकते हैं। तो ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट। अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में भी इस चार्ट इसी तरह का आपका दिखेगा, देख सकते हैं। डेली चार्ट पे हम आते हैं तो डेली चार्ट में भी आपको वही देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये बार बार देख सकते हैं, यहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है। देखिए बार बार एक बार इसको क्रॉस किया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर देखिए बार बार ये आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले एक बार दो बार देख लीजिए, फिर यहाँ तीसरी बार, यहाँ पर देखिए लगातार सपोर्ट, ये फिर आया यहाँ पर चौथी बार लगातार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो इस सपोर्ट के जैसे मतलब यहाँ से बाउंस बैक करता है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर जाता है दो चार सप्ताह, तो फिर यहाँ पर हम इसमें पूरी तरह से बुलिश हो जाएंगे। तो ये अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल्स देखिए मार्केट कैप 82,000 करोड़ का है। तो अभी यहाँ से ये मतलब 8,00,000 करोड़ तक भी जा सकता है, 5,00,000 करोड़ तक जा सकता है, 2,00,000 करोड़ तक जा सकता है। अभी एक्चुअल कितना है, 5,00,000 करोड़ मार्केट कैप है। तो यहाँ से इसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल है, ये यहाँ से मार्केट कैप जो है 5 times हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अर्निंग पर शेयर 77 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर, जिसका वीडियो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है, कंपनी जो काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहा है। अर्निंग पर शेयर एक शेयर पर कितना कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो ये अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने का मतलब होता है कि पॉजिटिव साइन है कि स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम आने वाले समय में देखने मिल सकता है। करेंट प्राइस आपने देख लिया 3,430 रुपीज़ के आसपास है। और यहाँ पर बात करें डिविडेंड यील्ड का, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, देख सकते हैं 2.47% का डिविडेंड यील्ड, 2.5% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, 50% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में। नेट एनुअल प्रॉफिट की बात करें 1,864 करोड़ का है, और जो कि जंप गया है 32.9% से, 32% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ है, एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ। और कंपनी के रिजर्व की बात करें 3524 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के ऊपर डेट है 2087 करोड़ का। तो डेट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कम ही है, ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। और वहीं इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का रखा है, देख सकते हैं 2781 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, और कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 46% का रिटर्न इक्विटी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं 45% का रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है हर पैरामीटर पे, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बेहतरीन है। वही कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो प्रॉफिट और लॉस में सेल्स देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। 2010 में देख लीजिए लगभग 3773 करोड़ का सेल्स था, जो कि लगातार इंक्रीज होते गया है, और लगातार इंक्रीज हुआ, और ये हो चुका है 13,136 करोड़ पर सेल्स पहुंच चुका है। तो लगातार सेल्स कंपनी का इंक्रीज कांस्टेंट रूप से इंक्रीज किया है। वहीं प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, 103 करोड़ का प्रॉफिट था 2010 में, जो कि इंक्रीज होकर के हो चुका है 1,864 करोड़ का। तो देखिए सेल्स यहाँ पर मात्र 4 times हुआ है, 4 times से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए कितना 18 गुना 18 times हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी जंप हुआ है। तो नेट प्रॉफिट में जंप होने का कारण क्या है, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, वो 4% से इंक्रीज होकर के 19% हो चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ज़बरदस्त कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। वही अर्निंग पर शेयर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, अर्निंग पर देखिए शेयर कितना ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है, 58 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर था, एक शेयर पर अर्निंग कितना था 58 का, 2020 फाइनेंशियल ईयर में 2021 में हो गया 77 रुपीज़। तो इसमें तो और ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ, 50% से भी ज़्यादा का इंक्रीज। तो इतना बेहतरीन ये स्टॉक है कि आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। वहीं बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 2010 में मात्र 259 करोड़ का रिजर्व था, जो कि इंक्रीज होकर के हो गया 3524 करोड़ का रिजर्व। तो देख लीजिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, 69 देख सकते हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव। अगर कैश फ्लो निगेटिव होता है तो थोड़ा हमें सोचना पड़ता है कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है।
वहीं प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें 50.55% प्रमोटर्स का स्टेक है कंपनी में, जो कि लगातार कांस्टेंट लगभग बना हुआ है। देखते हैं कुछ खास चेंज नहीं आया प्रमोटर्स स्टेक में। पब्लिक के पास है 20% का स्टेक, डीआईज के पास है 11% का स्टेक, डीआईज का स्टेक इसमें बढ़ा है। एफआईज के पास है 17.96% का स्टेक, एफआईज भी थोड़ा सा बढ़ाया है, तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा घटा है। जबकि देखते हैं स्टॉक जैसे जैसे गिरावट में मिल रहा है, तो यहाँ पर एफआईज डीआईज का स्टेक बढ़ रहा है लगातार। तो ये था कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। आपने टेक्निकल एनालिसिस जाना कि स्टॉक अभी जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर को, आप अभी सस्ते वैल्यूएशन पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस हो, ओवरऑल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किस पे, कंपनी के बिजनेस पे। तो कंपनी का बिजनेस ही हमारे लिए सब कुछ है। तो जो ब्रिटेनिया है, ये तो ब्रांड ही आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्रिटेनिया जो बचपन से यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बिस्किट्स बनाती है ये कंपनी, स्नैक्स बनाती है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बिस्किट्स बनाती है। बिस्किट में कई सारे फेमस ब्रांड है, गुड डे है, क्रैक्स है, तो यहाँ पर मैरी गोल्ड है, टाइगर है, तो ये सारे कई सारे बिस्किट है जो बचपन से हम लोग यूज करते आए हैं। तो इसके प्रोडक्ट बचपन से ही लोग यूज करते हैं, और जब तक आप जिंदगी जीते रहेंगे इंडिया में, तब तक आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे। तो बहुत सारे इसके ब्रांड है जो आप देख सकते हैं कि ब्रेड में भी कई सारे ब्रांड है, डायरी प्रोडक्ट में ब्रांड है इसके, केक्स में है, तो कई सारे ब्रांड है कंपनी के। तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है, और इस बेहतरीन बिजनेस में आप जरूर इन्वेस्ट करें। अगर आपको बिजनेस ये पसंद आता है, तो ये इवर ग्रीन बिजनेस है, किसी भी पैंडमिक का कुछ खास असर इस कंपनी पे नहीं पड़ने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके डाउट या सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।